हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसनैन आरिफ और आप देख रहे हैं हसनैन आरिफ गेमिंग चैनल। तो गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया और बढ़िया सा गेम प्ले लेकर। तो बस देखते रहिए आखिर तक और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे आप लोग। तो मेरा ये बंदा यहाँ पे नॉक हो गया, मैं देखो ये आ गया यहाँ पे और ये साला पता नहीं गायब हो गया और कैसे यहाँ मेरे पास ही पहुँच गया कमीना। ये हमारे तो ये ग्लिचेस भी बहुत सस्ते वाले हो रहे हैं हमारे साथ। और यहाँ पे हम पीछे की तरफ भागे कि यार ऐसा ना हो कोई आ जाए और हमारी पेटी बना ले। लेकिन सामने ही एक बंदा था और जाके और फुल मूड में था कि यार मैं अपने बंदे का बदला लूँगा, इस बंदे को मैं टपका दूँगा, इसकी मैं पेटी बना लूँगा। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं और हम भी देख ना, हम भी इसकी ऐसे ही बजाते हैं ना कि ये भी याद रखेगा कि ये भाई साहब इसने क्या ही मेरे को नॉक किया है। और हमारा को यहाँ से एक बढ़िया सी लूट हमको मिल जाती है। और यहाँ पे हम हील वील कर लेते हैं क्योंकि हील ये बूस्टर वूस्टर लगा लेते हैं क्योंकि भाई साहब ने हमको थोड़ी डैमेज दी हुई है। बस देखना ही आखिर तक कि क्या होगा हमारे साथ। यहाँ पे हमने फुल बूस्टर लगाया और सामने ही दो कैंपर थे मेन बिल्डिंग में। मैं ये मेडकिट भी लगा रहा था इतनी कम हेल्थ में ताकि मेरी हेल्थ फुल हो जाए क्योंकि मेरा मिशन भी था और मेरे को मिला भी था। तो ऊपर ही दो बंदे थे, साले कैंप करके बैठे हुए थे। बस आप देखना मैं उन पर कैसे ही क्लच मारेगा। मैं 1v2 फुल कॉन्फिडेंस में 1v2 करेगा। अच्छा बस देख नहीं, वो पता नहीं स्मोक वो कुछ फेंक देते हैं और मैं फुल रश कर लेता हूँ। लेकिन ये देखो बस, ये देखो दोनों को हमने नॉक कर दे और मैं दोनों को फिनिश कर रहा था लेकिन भाई साहब ने हमारा किल चोरी किल नहीं सॉरी वो ये नॉक को फिनिश करना चाह रहा था क्योंकि हमारा भाई साहब वेक्टर से मिशन भी हो जाता लेकिन इस भाई ने हमको छोड़ा ही नहीं। और सामने ही बंदा था इनका एक ही और वो भी फुल मूड में था कि वो हमारी पेटी बना ले। लेकिन भाई साहब हमने तो उसकी पेटी बना ली। बस आप देखना ही गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक यार आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब को टोक दो, पोड़ दो, उसकी हालत ही ख़राब कर दो। लेकिन यार सब्सक्राइब के बगैर ना जाओ। और सामने ही बंदा था, मैंने इसको बोला कि यार ये देखो बोट आ रहा है या क्या आ रहा है, इसको पहले नॉक और फिनिश कर दो। ये देखो और सामने ही बंदा, उसको मैंने फुल मूड में और ये देखो भाई साहब को ऐसा ही नॉक किया ना कि ये भी याद रखेगा कि यार क्या स्प्रे दिया इस साले ने, मेरी तो पेटी बना ली कमीने ने वो भी हमको। और यहाँ पे भाई साहब हम फुल मूड में जा रहे थे लेकिन ये क्या, भाई साहब हमारे से पीछे से ही नॉक कर देता है। ओपी जोकर है या क्या है? बस आप देखना इसके साथ इंटेंस फाइट होगी। और मैं इनको कवर दे रहा था कि यार वो आपको नहीं मारेगा, चलो आप इसको रिवाइव दे दो क्योंकि भाई साहब अगर मैं यहाँ पे इनको कवर ना देता तो वो साला ये 1 नंबर को भी नॉक कर देता। लेकिन मैंने इन दोनों को कवर दे दिया और मेरा ये बटन था इसको भी मैंने ऑन कर दिया। और बस कितना लग गया लेकिन साला नॉक ही नहीं हुआ। अब जब नेट वेट फेंकूँगा ना इस पर तो ये फिर पीछे भागेगा क्योंकि ये चाह रहा था कि ये इसको मेरा किल नसीब नहीं हो जाए लेकिन ये दूसरे किल कर ले। जैसे ही मैं नेट कर रहा था ना बस भाई साहब भागने लगा। मैंने इसको बोला कि यार अभी इसको मार, मेरा किल छोड़ दे लेकिन अभी इसको मार दे। और वही से पड़ी उस ने मेरे 1 नंबर को फुल मूड में नॉक कर दिया। और जैसे ही नॉक
किया ना भाई साहब, बस मैं भी फुल कॉन्फिडेंस में आ गया, इसकी पेटी बनाने लगा। और ये देखना, अभी हम इसकी पेटी बजाएंगे। और जैसे ही बात ये देखो किसके नसीब पे चढ़ गया कमीना, मेरे को किल ही नहीं दे रहा था। और यहाँ पे ये भाई साहब देखने, इसको मैं कैसे ही नॉक एंड फिनिश करूँगा। बोलेगा कि हैकर है हैकर, लेकिन देखना वो मेरे को स्प्रे देगा, लेकिन उसकी एम, लेकिन भाई साहब उसका कुल बेकार, तो इसलिए वो उसने मेरे को डैमेज दिया। लेकिन भाई साहब हम तो प्रो प्लेयर हैं ना, इसे ऐसे वैसे बंदों से तो नॉक ही नहीं होते। वो भी बोलेगा कि है करे साला, मैंने इतना डैमेज दिया लेकिन नॉक ही नहीं हो। यहाँ पे ये भाई साहब भाग रहे थे, लेकिन हमने इनको बहुत डैमेज दिया, लेकिन पता नहीं नॉक क्यों नहीं हुए। और अभी यहाँ पे भी छुपा हुआ है, ये देखो यहाँ पे भी इसको एक हेड पड़ गया, आप साउंड सुन चुके होंगे। और जैसे ही भाग रहा था ना साले की मैंने पेटी बना दी। और गाइस अगर आपको आज वाला गेम प्ले पसंद आए तो यार वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वो भी जल्दी से कर लीजिए।